बसमिल बायोलॉजी नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर फ़ोर लेक्चर नंबर टू विद मोहम्मद उस्मान सियाल नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ई एम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को समझेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ़ माइक्रोस्कोप ये माइक्रोस्कोप की बहुत जदीद किस्म है जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रही होगी इसमें इलेक्ट्रॉन्स के जरिए हम स्पेसिमन को ऑब्जर्व करते हैं और और मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन होता है अब इसकी वर्किंग समझेंगे वर्किंग इसमें आपको लोहे का एक कंटेनर नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर वैक्यूम पम्प के जरिए से एयर को रिमूव कर दिया गया है तो अब ये वैक्यूम चैम्बर बन गया इस वैक्यूम चैम्बर में सबसे टॉप पे ब्लू कलर में इलेक्ट्रॉन गन यानी कैथोड लगा हुआ है उसके नीचे रेड कलर में एनोड है और उसके नीचे दो ब्लू कलर में कंडेंसर लेंजेज हैं और नीचे जो ग्रीन कलर का वो ऑब्जेक्टिव लेंस है और इससे नीचे बेस में ऑब्जेक्टिव यानी आपका स्पेसिमन पड़ा होगा जिसको आपने ऑब्जर्व करना है और साइड पे इसके एक्सरे डिटेक्टर और हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंजेज होंगे जो स्क्रीन पर फोकस करेंगे अब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन अमिट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसको सेंड करता है टू वर्ड्स द कंडेंसर लेंस और कंडेंसर लेंस में से जब वो पास होती है तो उसकी एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बनती है और वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रीन कलर के ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होकर स्पेसिमन पर पड़ती है और स्पेसिमन पर पढ़ने के बाद वो फोकस कर दी जाती है टू वर्ड द स्क्रीन और स्क्रीन पे हम उसका इमेज स्क्योर कर सकते हैं अब फर्स्ट पॉइंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस्ड इन ए वैक्यूम चैम्बर अब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन और जो इसमें लेंस पड़ा है वो वैक्यूम चैम्बर में है ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू ए ऑब्जेक्ट उस स्पेसिमन नीचे जो स्पेसिमन पड़ा है उसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होगी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज और उसमें से पास होने के बाद उसका एक इमेज बनेगा और इलेक्ट्रो मैगनेटिक लेंज इन लार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन टू फोटोग्राफिक फिल्म तो उसका हम स्क्रीन पर या किसी फोटोग्राफिक फिल्म पर उसका इमेज स्क्योर कर सकते हैं तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बहुत क्लियरली हमें ये पता चल गया कि ये वर्किंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्किंग कैसे करती है अब हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करेंगे कि रेजोल्यूशन पावर इसकी कितनी है तो इसकी रेजोल्यूशन पावर 0.2 नैनोमीटर है और 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 1 ओवर 10 लाख मिलीमीटर एक नैनोमीटर वन ओवर टेन लैख मिलीमीटर के इक्वल होता है और ये जीरो पॉइंट टू नैनोमीटर के ऑब्जेक्ट को भी क्लियर करके दिखाती है और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ये किसी भी ऑब्जेक्ट को टू लैख फिफ्टी थाउजेंड गुना बड़ा करके हमें दिखा सकती है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर है इसकी और इसमें कैपेबिलिटी क्या है इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम, सेल ऑर्गेनालिज इवन मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन यानी शुरू में आपको मॉलिक्यूल, डीएनए और सेल्स नज़र आ रहे होंगे तो इनको वो हमें दिखा सकती है तो अगर ये एटम को भी दिखा सकती है तो एटम से ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं अगर ऐटम नज़र आ सकता है तो ये सारी चीज़ें हमें ईज़िली नज़र आ सकती हैं तो कैपेबिलिटी के बाद हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स कितनी हैं तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड वन इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम एस ई एम भी कहते हैं और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम टी ई एम भी कहते हैं तो सबसे पहले हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस तो इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने जब किसी और आप... ऑब्जर्वेशन किसी भी स्पेसिमन की करनी होगी तो उस स्पेसीमन के ऊपर हम मेटल की कोटेड कर देंगे ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसमिट ना हो सकें बल्कि उसकी सरफेस से ही रिफ़्लेक्ट हो जाए और हमें सरफेस की डायग्राम नज़र आ जाए तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्कैन करेगी और उसकी ऊपर वाली सर्फेस ही हमें दिखाएगी जैसे आपके पास कोविड नाइन्टीन का एक वायरस दिखाया गया है और ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी पिक ली गई है तो इसमें हमें इसकी बाहर वाली सारी सर्फेस नज़र आ रही है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फंक्शन और इसकी डायग्राम आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी और सेकेंड है हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी मेटल कोटेड सरफेस को हटा दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाते हैं उस पेसीमन में उस जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आता है उसकी अनोटमी को आप डिस्कस करते हैं जैसे कोविड नाइन्टीन का नीचे वायरस और इसका आप इनाटमी भी देख सकते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहा होगा तो ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पॉसिबल होता है तो ट्रांसपी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम और उसका फंक्शन भी आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इस जब डिफरेंस आए तो ये टू पॉइंट्स लिखने हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स काइंडली विज़िट इट ओके बेटा अल्लाह हाफिज़